21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में देश की आधी आबादी माने जाने वाली महिला शक्ति भी हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित ही कर रही है, बल्कि पुरुष प्रधान देश में पुरुषों से आगे निकलती दिखाई दे रही है। ऐसी ही महिलाओं को मथुरा ब्रजभूमि फाउंडेशन ने राजधानी भोपाल में नारी शक्ति को प्रणाम कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश भर के 51 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य किया। इस मौके पर पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर डिजाना मीडिया ग्रुप के चैनल डीएनएन की एसोसिएट एडिटर डॉक्टर नुजहत परवीन सिद्दीकी को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, नारी की खुद अपनी पहचान है, इसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, बस उसे अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। वहीं ब्रजभूमि फाउंडेशन स्टेट प्रेसिडेंट दीपाली सिन्हा ने बताया कि सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाली प्रदेश भर की आई 51 महिला शक्तियों का सम्मान किया गया। साथ ही फाउंडेशन की मध्य प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट शाजिया शेख ने कहा कि कुछ महिलाओं को मंच मिल जाता है और कुछ को नहीं, हमने उन महिलाओं को भी ढूंढ के निकाला है जिन्होंने समाज के लिए बेहतर कार्य किए हैं। तो ये हम लोगों का एक जो प्लेटफॉर्म बन चुका है नारी शक्ति को। कांग्रेचुलेशन जो मुझे एमपी की तरफ से मिला था वो सर की तरफ से मिला। वो बिठाने का एक्शन हम लोग उस लायक नहीं जितने लायक लोग नीचे। बस ये कि जैसा कि यहाँ पर मंच पे भी आपने सुना कि नारी खुद एक पहचान है, उसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। बस यही संदेश मेरा है कि अपनी ताकत को हर महिला को हर औरत को पहचानना है और उसके सहारे उसको आगे बढ़ना, बस यही संदेश। ये नारी शक्ति को प्रणाम कार्यक्रम जो है वो मथुरा से शुरू हुआ था और 52 शहरों में इसने अपना सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। ये मध्य प्रदेश में पहला कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश में 4 जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, भोपाल में, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। तो फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ है कल इंदौर में और 15 को जबलपुर और 17 को ग्वालियर। और इसमें एक्चुअली अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग उसमें भी उन सबको एक इस मंच पे लाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसे जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ है और जो हमारा भोपाल है वो जान गया होगा कि हमने किस किस तरह की हस्तियों को सम्मानित किया है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो किसी मंच को नहीं पा पाती और बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो मंच पा जाती हैं, लेकिन जो मंच पा गई हैं वो भी भाग्यशाली हैं और जो मंच नहीं पाई हैं वो भी कहीं ना कहीं अछूती थी। हम चाहते थे कि सारी महिलाओं को एक साथ एक मंच पे लाएं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि इस महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के निकालें, इसलिए हमने इससे इसके लिए ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट किया जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लाइक कुछ मीडिया इंडस्ट्री से भी हैं, कुछ सोशल सर्विस से भी हैं, और हमने ऐसे ऐसे नगीने चुन के लेकर आए कि जिन्हें हम भी यहाँ बुला के प्राउड फील करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ।